लेकिन मैं एक स्पष्ट बात करना चाहता हूं, ये सारा कब सफल होगा मैम? ये तब सफल होगा जब प्रदेश, हर प्रदेश की सरकार इसकी नैतिकता को ले। अगर प्रदेश की सरकार नैतिकता नहीं लेगी, जैसे दिल्ली है, अब यहाँ नैतिकता कहाँ चली गई है? गली गली में शराब की दुकान खोल रहे हैं। अगर हम इस दिल्ली की बात करें, हम अगर प्रदेश की नैतिकता को अगर हटा दें, अभी दिल्ली में सरकार के शराब नीति ऐसी, गली गली शराब को ला, उसके ऊपर सैकड़ों करोड़ का घोटाला तक, और इसमें जी घोटाला, इसमें जांच सीबीआई इंक्वायरी हो गई, और वो भी दिल्ली सरकार के ही द्वारा हुई। तो अगर ऐसी नैतिकता का पालन नहीं करेंगे, अनैतिक हो जाएंगे, तो हमारा ये बिल किसी काम का नहीं हो पाएगा। मैम, मैं दिल्ली का उदाहरण देते हुए, इस पे सीबीआई इंक्वायरी हो गई है, और डिप्टी सीएम तक जो जेल जा सकते हैं, इस पे सीबीआई इंक्वायरी हो गई है और डिप्टी सीएम तक जो जेल जा सकते हैं, इन लोगों ने, नहीं, हम धमधमका नहीं, हम आशा कर रहे हैं, हम आशा कर रहे हैं मैम। क्या मेरे भाई, ये इतनी गंभीर बात हुई है कि इस बिल को नैतिकता के साथ प्रदेशों को लागू करना होगा, अदरवाइज हम अपने खिलाड़ियों को कैसे दे पाएंगे एक संदेश? तो ऐसी स्थिति में मैंने एक सिर्फ उदाहरण दिया, इसका कोई मेरा पता नहीं जांच के बाद क्या होगा। ये तो अलग बात है कि जिस दिन जांच होती है उसी दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं फलनवा जेल जाएगा। वो नाम ले लेते, मैं यहाँ सदन की गरिमा के अनुसार मनीष सिसोदिया का नाम नहीं लेना चाहता हूँ जी।